कि ओरछा में राम राजा लोक बनेगा और उसकी पूरी रचना अभी तैयार हो रही है। मुझे बता दो, प्रसन्नता है कि हमने तय किया है कि ओरछा में राम राजा लोक बनेगा और उसकी पूरी रचना अभी तैयार हो रही है। इसमें सबकी सहमति और स्वीकृति के बाद वहाँ उसका फिर फाइनल डिजाइन बनेगा और भगवान की कृपा से, उनकी इच्छा से ही राम राजा लोक का भी यहाँ निर्माण होगा। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की इच्छा थी और कई बार वो ओरछा प्रवास पर आने के बाद भी जो मध्य प्रदेश में महाकाल है, कई और जगह भी जो लोक बनाए जा रहे, राम राजा सरकार की नगरी में ओरछा को भी राम राजा लोक बनाने का जो प्लान था वो आज मुझे लगता है कि उसकी बैठक में सबकी सहमति से उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। फर्स्ट फेस में जो, जैसा आपको अभी जिले के कलेक्टर महोदय ने और अधिकारियों ने भी बताया होगा कि फर्स्ट फेस में इसको जो लिया है उसका पूरा प्रेजेंटेशन हम सब ने देखा है। ओरछा बहुत खूबसूरत हो और ओरछा की एक नई पहचान हो, प्रथम चरण में जो आज इसका लोक की जो सहमति हुई है, तो निश्चित रूप से ओरछा पूरे विश्व में ओरछा की अलग पहचान हो। आज इसके ही आज एक बैठक हुई, स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि भी थे और जो लोग स्थानीय और लोग भी थे उनके सुझाव को देखते हुए जिला प्रशासन से एक अलग से भी एक तय करने थे हम लोगों, क्योंकि उनके छोटे छोटे जो सुझाव आए उसकी सहमति लेते हुए, उनके सुझावों को मानते हुए निश्चित रूप से राम राजा लोक को हम प्रारंभ करें। आज राम राजा लोक के भव्य निर्माण के संबंध में हम लोगों ने जिला प्रशासन, यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और लोकल के सभी लोगों के साथ मिलकर एक बैठक की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि इस क्षेत्र के विकास में राम राजा लोक का भव्य निर्माण किया जाए, जिसके संबंध में प्रथम चरण में आज सभी लोगों की एक आपसी सहमति भी बनी है और एक भव्यता के साथ, बेहतर सुंदरता के साथ इस राम राजा लोक के निर्माण करने में सब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।